के व्याख्यान का मेरा विषय है सामाजिक अनुसंधान। इसके अंतर्गत हम आज दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा को लूँगा। परिभाषाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं केवल एक परिभाषा के माध्यम से ही अपनी बात को रखूँगा। और परिभाषा के बाद में मैं बात करूँगा सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले मैं बहुत सरल शब्दों में बताऊं सामाजिक अनुसंधान के बारे में। सामाजिक अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर के बना है, सामाजिक और दूसरा शब्द है अनुसंधान। सामाजिक का तात्पर्य है समाज संबंधी, अर्थात समाज के बारे में, और अनुसंधान का तात्पर्य है खोज, अर्थात पता लगाना। समाजशास्त्रीय संदर्भ में जब हम सामाजिक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में ज्ञात करना, उनका पता लगाना, उनकी खोज करना, उनके कारणों को ज्ञात करना, उनके परिणामों को ज्ञात करना, और सामाजिक घटनाओं के कारणों और परिणामों की समीक्षा करना। जैसा हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ समाज में प्रत्येक पल अनेकों नवीन घटनाएँ घटित होती रहती हैं। इनमें से कुछ घटनाएं समाज के लिए उपयोगी होती हैं, अर्थात ये वो घटनाएं होती हैं जो समाज के लिए कल्याणकारी हैं, जो समाज को आगे की ओर ले जाती हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, समाज में विघटन लाती हैं। दोनों ही प्रकार की घटनाएं हमारी तरफ हमारे आसपास होती रहती हैं। एक समाजशास्त्री के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि वो उन घटनाओं को समझे, का अध्ययन करें, और एक समाजशास्त्री तब तक शांत नहीं बैठता जब तक कि उसकी घटनाओं के बारे में जिज्ञासा शांत ना हो जाए। तो सरल शब्दों में बात करें सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं की खोज, उनका पता लगाना, उनके कारणों का पता लगाना, उनके परिणामों को ज्ञात करना, और घटना के कार्य कारण संबंधों की समीक्षा और विवेचना करना। ये है, मैं यहाँ एक परिभाषा रखूँगा। C.A. बोजर के द्वारा दी गई परिभाषा है, आपने कहा है सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य को कहते हैं। तो बोजर ने भी माना है कि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं और समस्याओं से है। पहली चीज हम ये याद रखेंगे, मोजर की परिभाषा की विवेचना कर लेते हैं कि मोजर का मानना है कि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं और सामाजिक समस्याओं से है। अब इन घटनाओं और समस्याओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य समाज वैज्ञानिकों के द्वारा जो अन्वेषण कार्य किया जाता है उन घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु, उस अन्वेषण कार्य को ही सामाजिक अनुसंधान कहते हैं, ऐसा मानना है C.A. बोजर का। C.A. बोजर की परिभाषा बहुत उल्लेखनीय है, बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से ये सामाजिक अनुसंधान पर पर्याप्त प्रकाश डालती है। इसके बाद मैं बात करूंगा सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, अर्थात सामाजिक अनुसंधान के चरणों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान को करना इतना सरल नहीं है, इसकी प्रक्रिया होती है, और प्रत्येक समाज वैज्ञानिक जो सामाजिक अनुसंधान कार्य करता है, अर्थात सामाजिक घटनाओं की खोज करता है, उनका अध्ययन करता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि वह इस प्रक्रिया को अपनाए। इसके चरण हैं, उन चरणों को अपनाए। तो जितने भी चरण हैं उनका एक क्रम है, और उसी क्रम में उन चरणों को अपनाना पड़ता है, उन पर कार्य करना पड़ता है, और इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान निरंतर आगे बढ़ता रहता है। सामाजिक अनुसंधान का सबसे पहला चरण है समस्या का चयन, अर्थात घटना का चुनाव। मैंने कहा कि प्रत्येक पल हमारे चारों ओर नई नई कितनी घटनाएं घटित होती रहती हैं। समाज वैज्ञानिक के लिए ये संभव नहीं कि वो सारी घटनाओं का अध्ययन कर सके,
तो यहाँ सबसे पहला जो चरण है वो है घटनाओं का चयन या समस्या का चयन। लेकिन ये याद रखें हम लोग कि जिस समस्या अथवा घटना का चयन किया जा रहा है वो घटना समाज वैज्ञानिक की रुचि वाली होनी चाहिए, क्योंकि यदि समाज वैज्ञानिक की रुचि है किसी घटना को समझने के बारे में, उसका अध्ययन करने के बारे में, तो निश्चित रूप से वह अच्छी तरह से अनुसंधान कार्य करेगा। लेकिन यदि उसकी रुचि नहीं है तो उस स्थिति में वो काम नहीं करेगा। तो पहले चरण के बारे में मेरा यही सुझाव है कि केवल उन्हीं घटनाओं को चुना जाए, उन्हीं घटनाओं को अध्ययन हेतु चुना जाए जिन घटनाओं में समाज वैज्ञानिक की रुचि है, अर्थात जिसमें वो इंटरेस्टेड है। और यदि उसकी रुचि नहीं है किसी घटना के अध्ययन करने के बारे में, तो उसे उस घटना को विषय के रूप में नहीं चुनना चाहिए। दूसरा चरण है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जिस घटना का अध्ययन किया जा रहा है ये आवश्यक नहीं कि उस घटना का पहली बार अध्ययन पूरा हो। लगभग निश्चित है कि उस घटना के बारे में, उस घटना के किसी एक या अन्य पहलू के बारे में भारत में या भारत के बाहर विदेश में, विश्व के किसी भी देश में उस घटना के किसी पहलू के बारे में अध्ययन किया जा रहा होगा या किया जा चुका होगा। तो उस घटना पर कितना कार्य हो चुका है, उस घटना के किन किन पहलुओं पर कार्य हो चुका है, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसको जानने के लिए हमारे पास होते हैं साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक, जर्नल्स, रिसर्च थीसिस, उनमें लिखित रूप में बहुत सी चीज़ें, अर्थात वो सारा साहित्य उपलब्ध है, वो सभी अध्ययन उपलब्ध हैं साहित्य के रूप में जो विश्व के विभिन्न भागों में हो चुके हैं। ये चरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम अनुसंधान कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो ये आवश्यक है हमारे लिए कि हम जिस घटना का अध्ययन करने जा रहे हैं उस घटना की पृष्ठभूमि को समझें, उस घटना के बारे में जानें, उस घटना की गहराई में जाएं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि हमको घटना के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त होगा, जानकारियाँ प्राप्त होंगी, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो हमको ज्ञात होगी और उसके आधार पर हमारा जो प्रस्तावित अनुसंधान कार्य है वो काफ़ी सरल हो जाएगा। तो ये जो चरण है वो समाज वैज्ञानिकों को विषय से जोड़ता है, विषय की जानकारी प्रदान करता है, अनुसंधान की दशा प्रदान को बताता है। तो ये चरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये ध्यान रखें इस चरण के अंतर्गत कि जिस विषय पर भी अध्ययन किया जा रहा है उसके बारे में पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, इंटरनेट की साइट्स पर, थीसिस में, जर्नल्स में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है और उस साहित्य को पढ़ करके हम अपने विषय के बारे में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। संबंधित साहित्य के अध्ययन के बाद सामाजिक अनुसंधान का अगला चरण है प्राकल्पना। प्राकल्पना का तात्पर्य है पूर्व अनुमान। सामान्य तौर पर जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में हमारे मन में एक विचार आता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यही बात सामाजिक अनुसंधान पर भी लागू होती है। जब हम सामाजिक अनुसंधान की ओर आगे बढ़ते हैं या जब हम किसी घटना का अध्ययन करते हैं तो उस घटना से संबंधित विभिन्न बातों के बारे में हमारे मन में एक विचार आता है, उस विचार को ही हम प्राकल्पना कहते हैं। तो प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। प्राकल्पना किस किसके बारे में कि जिस घटना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस घटना से प्रभावित कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, अध्ययन हेतु कितनी इकाइयों का चुनाव किया जाएगा, किस अध्ययन क्षेत्र का चुनाव किया जाएगा और चुनाव किस रीति से होगा, क्या वो रैंडम सैंपलिंग से होगा, दिव्य दर्शन से होगा या फिर स्टेटिफाइड अथवा स्तरित दर्शन के द्वारा इकाइयों का चुनाव किया जाएगा। तथ्य संकलन की प्रवृत्ति कौन कौन सी होगी, क्या तथ्यों को अनुसूची के द्वारा संचित किया जाएगा या प्रश्नावली के द्वारा या साक्षात्कार के द्वारा या व्यक्तिगत पद्धति के द्वारा। तो इसके बारे में बहुत सारी प्राकल्पनाएं की जाती हैं। तो पहली प्राकल्पना जो होती है वो है अध्ययन क्षेत्र के बारे में। अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य है वो क्षेत्र
वो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ घटना का प्रभाव अधिक है या जिस अधिक क्षेत्र को अध्ययन हेतु चुना जाता है। दूसरी प्राकृतिक होती है वह इकाइयों का निर्धारण। जैसे मैंने कहा आपसे कि किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए ये संभव नहीं कि वो सभी लोगों का अध्ययन कर सके, उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं, धन संबंधी सीमाएं हैं और भी बहुत सारी सीमाएं हैं। तो उन सीमाओं को ध्यान में रखकर के वो समग्र में से केवल कुछ इकाइयों का चुनाव निदर्शन की किसी रीति के द्वारा करता है। तो प्राकृतिक अध्यक्षित्व के बारे में, इकाइयों के बारे में जिसके तहत अध्यक्षित्व का निर्धारण किया जाता है, चुनाव किया जाता है, इकाइयों का चुनाव किया जाता है। और इसके बाद फिर बारी आती है कि जो तथ्य संकलन है, प्राथमिक तथ्य जो संकलित होंगे, तथ्यों का संकलन अर्थात नवीन ज्ञान की प्राप्ति अर्थात नवीन सूचनाएं किस प्रविधि के द्वारा प्राप्त होंगी। समाजशास्त्रीय अध्ययन हेतु अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, ये कुछ प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग प्राय किया जाता है। तो अध्ययन की प्रकृति कैसी है, अध्ययन क्षेत्र कितना बड़ा है, उसके आधार पर हम प्रविधियों का निर्धारण और प्रविधियों का चुनाव करते हैं। प्रविधियों के चुनाव के बाद ये जानने हेतु कि क्या वो प्रविधि अनुसंधान कार्य हेतु उपयुक्त प्रविधि है अथवा नहीं है, उसका पूर्व परीक्षण किया जाता है। तथ्य संकलन वास्तविक रूप से करने से पहले उस प्रविधि का केवल कुछ इकाइयों पर प्रयोग किया जाता है और यदि वो प्रयोग सफल होता है तो फिर उस प्रविधि को हम चुन लेते हैं। और उसके बाद फिर असली बात आती है अगले चरण के रूप में, तथ्यों का संकलन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि शोध अथवा अनुसंधान का आधार ही तथ्य होते हैं जो हम इकाइयों की सहायता से प्राप्त करते हैं, इकाइयों से प्राप्त करते हैं। तो इस चरण को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तथ्यों का संकलन किया जाता है। फिर जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उनकी प्रकृति के अनुसार उन तथ्यों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण के बाद तथ्यों को सारणियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। सारणीयन करने के बाद में फिर तथ्यों का विश्लेषण, तथ्यों की विवेचना की जाती है और अंतिम चरण के रूप में जो घटना अध्ययन की गई है उस घटना के बारे में एक सामान्य नियम प्रस्तुत किया जाता है, सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है जिसे हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो इस व्याख्यान में मैंने आपको दो बातें बताई। पहली बात तो ये कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, और इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं की खोज, उनका पता लगाना या उनके अध्ययन से है। और रही बात प्रगति इसकी प्रक्रिया की, तो सामाजिक अनुसंधान की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित चरण हैं और एक समाज वैज्ञानिक को उन चरणों का अक्षरशः पालन करना पड़ता है, उसी क्रम में उसे अध्ययन करना पड़ता है जो क्रम इस प्रक्रिया में दिया हुआ है। सबसे पहले समस्या का चुनाव, संबंधित साहित्य का अध्ययन, प्रकल्पना का निर्माण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण और चुनाव, इकाइयों का चुनाव और इकाइयों का चुनाव निदर्शन की या तो द्वैत निदर्शन नीति से करते हैं और या फिर स्तरित निदर्शन नीति से करते हैं। इकाइयों के चुनाव के बाद में फिर तथ्य संकलन की प्रविधि, जो प्रश्नावली भी हो सकती है, अनुसूची भी हो सकती है, साक्षात्कार भी हो सकती है या व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति भी हो सकती है। और प्रविधि के बाद में तथ्यों का संकलन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का सारणीयन, तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन और अंतिम चरण के रूप में घटना का सामान्यीकरण अर्थात घटना के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित करना। थैंक यू।